नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ब्रांड न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में विजय प्रताप सिंह को अहम जिम्मेदारी मिलने के बाद विजय प्रताप सिंह ने आम आदमी पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचाने के उद्देश्य आम आदमी पार्टी के विजय रथ व अपनी टीम के साथ गोविंद नगर विधानसभा में जन जागरूकता अभियान शुरू किया। जन जागरूकता अभियान में आम आदमी पार्टी की नीतियों एवं आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के मॉडल को घर घर जाकर बताने का कार्य किया जा रहा है। जन जागरूकता अभियान के तहत गोविंद नगर विधानसभा में आम जनता के मिल रहे प्रभारी सहयोग से उत्साहित विजय प्रताप सिंह ने कहा कि अब जनता अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली मॉडल को पसंद करते हुए 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गोविंद नगर विधानसभा सहित पूरे उत्तर प्रदेश की आम जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी को अपने क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की नीतियों एवं आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के मॉडल को आम जनता तक पहुँचाकर जनता को विश्वास में लेने के लिए कड़ी मेहनत व संघर्ष करना होगा। मैं विजय प्रताप सिंह आपको बताना चाहता हूँ, अगर दिल्ली के संगम विहार में मोहल्ला क्लिनिक बन सकता है तो क्या लखनऊ के गोमती नगर में मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया जा सकता? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली के सरकारी अस्पताल देश के सबसे अच्छे सरकारी अस्पताल बन सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की ऐसी दुर्दशा क्यों है? मैं बताना चाहता हूँ, अगर दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सकती है तो उत्तर प्रदेश के लोग इतने बड़े बड़े पावर कट क्यों बर्दाश्त करें? क्या यहाँ भी 24 घंटे बिजली नहीं मिल सकती? मैं बताना चाहता हूँ कि यदि दिल्ली में लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है तो क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को मुफ्त बिजली नहीं मिल सकती? लोगों के इतने ज़्यादा ज़्यादा बिजली के बिल क्यों आ रहे हैं? मैं बताना चाहता हूँ कि यदि दिल्ली में लोगों को सरकारी स्कूलों में उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूलों जैसी बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं तो उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की यह स्थिति क्यों है? मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली में यदि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर एक मोहल्ले में CCTV कैमरा लगाया जा सकता है तो उत्तर प्रदेश में हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए हर एक मोहल्ला और गली में CCTV कैमरा क्यों नहीं लगाया जा सकता? हमारी माताओं बहनों से प्रतिदिन जो दुष्कर्म हो रहे हैं वह क्यों हो रहे हैं? उनकी सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की जा रही है? मैं पूछना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर चलने से कौन रोक रहा है? मैं उत्तर प्रदेश वासियों से पूछना चाहता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश की सभी पार्टियों को मौका दिया, मगर आपको उसके बदले में क्या मिला? केवल धोखा। आज जो उत्तर प्रदेश को ज़रूरत है, एक ऐसी पार्टी जरूरत है जिसकी नीयत साफ और ईमानदारी की हो, और वह सिर्फ आम आदमी पार्टी में है। आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली ने अपने आप को प्रूफ करके दिखाया है और यह साफ कर दिया है कि सरकारों के पास पैसे की कमी नहीं है, कमी है तो नीयत की है। दिल्ली के लोग चाहते थे उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और एक अच्छी ईमानदार सरकार मिले, और इसी के चलते दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को 3 बार सरकार में लाए। और दिल्ली में आज ऐसा पहली बार इसलिए हुआ क्योंकि इस बार लोगों ने किसी सरकार के द्वारा उनके लिए काम करते हुए देखा है और एक ईमानदार सरकार मिली जो उनके साथ मिलकर उनके लिए कार्य कर रही है। और अब उत्तर प्रदेशवासी भी ऐसी ईमानदार और साफ नीयत की पार्टी को अपने प्रदेश में लाना चाहते हैं, और उन्हीं के इसी विश्वास को पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है कि आम आदमी पार्टी 2022 में पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत के साथ में विधानसभा चुनाव में अपने लोग खड़े करके इस चुनाव को लड़ेगी। और आप सभी लोग से उम्मीद करती है कि आप सभी लोग पार्टी का साथ दें, सहयोग दें और विधानसभा चुनावों में वोट दें ताकि उत्तर प्रदेश में भी एक ईमानदार साफ नीयत की सरकार मिल सके। धन्यवाद।